तो पिछले दो दिनों से एक ऐसी खबर चर्चा में बनी हुई है जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। दरअसल भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी सफलता मिल चुकी है जिसके डेवलपमेंट में भारत की डीआरडीओ काफी लंबे समय से जुटी हुई थी और यह भी कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश से ही ले लिया जाए, लेकिन हाल ही में जारी की गई एक खबर के मुताबिक अब जाकर भारत की डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर ही डेवलप करके दिखा दिया, जिसे भारत का अब तक का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत में डेवलप किए जा रहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल होने वाले फास्ट कंट्रोलिंग कंपोनेंट टेक्नोलॉजी की, और भारत की डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर डेवलप करके उन देशों के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो सोच रहे थे कि भारत बिना किसी दूसरे देश की मदद से एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट के एडवांस्ड डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाएगा। और हमारे लिए अच्छी बात है कि डीआरडीओ ने एक्चुएटर्स और फास्ट एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को स्वदेशी तौर पर डेवलप करके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफर भी कर दिया है जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत डिफेंस के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में दोस्तों देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर लिया है जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बनी हुई है। क्योंकि इंडियन डिफेंस की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डीआरडीओ ने लीडिंग एज एक्चुएटर्स और फास्ट एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को स्वदेशी तौर पर डेवलप करके इसका पहला बैच भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है, जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे एडवांस लाइट कॉम्बैट MK-1A तेजस एयरक्राफ्ट में किया जाना है, जहां इस टेक्नोलॉजी में भी नई जीत हासिल करते हुए भारत की डीआरडीओ ने उन देशों के मुंह पर उल्टा तमाचा मार दिया है जो देश कह रहे थे कि भारत तेजस एयरक्राफ्ट के नए वेरियंट को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत यह टेक्नोलॉजी लेने के लिए कई देशों के सामने हाथ फैला चुका था, लेकिन हमारे लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि कोई भी देश यह टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। लेकिन अब यही दिक्कत भारत के लिए नए अवसर में बदल चुकी है, क्योंकि भारत ने वही टेक्नोलॉजी डेवलप करके इन देशों को दिखा दिया है। यानी कि भारत के वैज्ञानिक यदि किसी भी डेवलपमेंट में हाथ धोकर जुट जाए तो उस मामले में भारत को सफलता न मिले ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको आगे की जानकारी बताएं, उससे पहले भारत के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल भारत की डीआरडीओ ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करके भारत की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफर किया है उसकी बात की जाए तो इस टेक्नोलॉजी को लीडिंग एज एक्चुएटर्स कहा जाता है, जो कि एक ऐसी एज कटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड में भी आसानी से कंट्रोल किया जाता है, जहां लीडिंग एज एक्चुएटर्स एयरक्राफ्ट के पंखों पर उच्च लिफ्ट उपकरणों को तैनात करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में लगे हुए स्लेट्स में किया जाता है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ऊपर नीचे होते हैं, जिससे उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ के समय काफी ज्यादा आसानी होती है। और खासकर तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि देखा जाए तो फाइटर जेट को बार बार लैंडिंग और टेक ऑफ की जरूरत पड़ती है, और उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को हवा में ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए भी इनका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है। और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल की बात करें तो यह हवा में उड़ रहे एयरक्राफ्ट में नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हाई स्पीड में उड़ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट को आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जिससे यह LCA तेजस की माध्यमिक उड़ान नियंत्रण सिस्टम के लिए
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है और इन कंपोनेंट का डेवलपमेंट ही लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए किया जा रहा है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के सक्सेसफुली स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लेने के बाद अब भारत के एयरक्राफ्ट की ताकत बढ़ने वाली है। और अच्छी बात है कि भारत के डीआरडीओ के द्वारा लीडिंग एज एक्चुएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफर करने के बाद इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जिसमें भारत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग वर्तमान में लखनऊ में HAL के एक्सेसरीज डिवीजन में कर रही है, जो भारत की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। मुंबई में गोदरेज एयरोस्पेस सहित सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की इंडस्ट्रीज की भागीदारी इस पहल को आगे बढ़ाने वाले सहयोगात्मक प्रयास को नई दिशा दे रही है। आपको बता दें कि लीडिंग एज एक्चुएटर और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल यही दो टेक्नोलॉजी हैं जिसे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी तौर पर डेवलप करके नया माइलस्टोन हासिल किया है, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी हो रही है, क्योंकि भारत ने इसे ऐसे डिजाइन और डेवलप किया है कि इस टेक्नोलॉजी को तेजस एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद उनका इस्तेमाल हर तरीके के वेदर कंडीशन में किया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो चीन के बॉर्डर की तरफ पहाड़ वाले इलाके हैं जहां पर ज्यादातर मौसम बदलते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर रेगिस्तान वाले इलाके पाए जाते हैं, जहां भारत को इस टेक्नोलॉजी पर इस तरीके से काम करना था ताकि इनका इस्तेमाल हर तरीके की वेदर कंडीशन में किया जा सके। वैसे देखा जाए तो भारत ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने से पहले कई देशों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन हम जिन देशों से इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे वह सभी देश इसे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन नहीं कर पा रहे थे, जिससे भारत में बनाए जा रहे तेजस एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट में दिक्कतें आना शुरू हो गई थीं और भारत के द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट डीले होता जा रहा था, जिससे भारत की डीआरडीओ ने इसी दिक्कत को अवसर में बदलते हुए इस टेक्नोलॉजी पर खुद काम करना शुरू किया और भारत में बनाए जा रहे तेजस एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट प्रोजेक्ट में देरी होने से पहले भारत की डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को इंडिजीनियसली डेवलप करके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाथों सौंप दिया, ताकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेजस एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट को समय अनुसार बना सके। बाकी आप लोग भारतीय वैज्ञानिकों के इस नए माइलस्टोन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।